क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कल जो दो वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी, और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जुट गईं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के पहलुओं पे काम करना शुरू कर दिया। आज हमें सूचना मिली थी कि नरेला के पास दो लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे, और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया, और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको अप्रिहेंड कर लिया गया। इनके पास से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन मिला है, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और चोरी की जो स्कूटी है वो बरामद हुई है। दोनों की गिरफ्तारी और अप्रिहेंशन जुवेनाइल की के बाद हमारे दोनों मुकदमे जो नांगलोई वाला था और अलीपुर वाला था वर्कआउट हो गए हैं। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ की जा रही है, इनके लिंक्स को चेक किया जा रहा है और बाकी चेन जो है उसको भी